अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मजेदार सी डिश बनाने वाले हैं जिसका नाम है फिश करी। तो आइए देखते हैं इस फिश करी के लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम सैल्मन फिश ले ली है। आप जौन सी मर्जी फिश ले सकते हैं, कंडे के साथ, हड्डी के साथ, बोनलेस, जैसी मर्जी फिश आप चाहें आप ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सैल्मन ली है। मसालों में मैंने यहाँ पे ले लिया है आधी चम्मच राई, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, एक सिनेमन स्टिक, 4-5 इलायचियाँ, उसके अलावा यहाँ पे जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक छोटी प्याज मैंने क्रश कर ली है, एक छोटा टोमेटो मैंने क्रश कर लिया है, 2 ग्रीन चिलीज मैंने काट ली हैं, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। उसके अलावा इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और 1 कैन जो आप नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हैं कोकोनट मिल्क। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे फिश की करी बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम फिश को काट लेंगे। इसके हम 3 हिस्से कर लेंगे इस तरह से। इसके भी हम 3 हिस्से कर लेंगे। यहाँ पे हमने फिश को काट लिया है। यहाँ पे मैंने एक वॉक ले लिया है, इसको मैंने हीट कर लिया है, तो इसमें अब हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 बड़े स्पून हीटफुल हमने इसमें कुकिंग ऑयल ले लिया, और इसमें अब हम इलायची, दालचीनी, राय और मेथी दाना ऐड कर देंगे। इसमें अब हम साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आंच थोड़ी हल्की कर ली थी, बिकॉज आप जैसे कि देख रहे थे कि जब मैंने राई दाना, मेथी दाना डाला था तो उसी वक्त हमारी कढ़ाई जो है जोश में आ गई थी, तो मैंने आंच हल्की कर ली थी। अब मैंने फिर से मीडियम पे कर दी है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याजों को हमने थोड़ा सा सोते कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने प्याज़ों को क्रश ऑलरेडी कर रखा है, तो हमने इनको ब्राउन नहीं करना, इतना पकाना है कि बस इनका कच्चापन खत्म हो जाए। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारे मसालों की। ये करी बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, अब हम इसमें टमाटर एक ऐड कर लेंगे, वो भी क्रश्ड हुआ। यहाँ पे हम क्रश्ड हुए टमाटोज डाल रहे हैं, क्रश्ड हुए ही प्याज डाल रहे हैं, तो इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जस्ट फॉर 5 मिनट्स मे बी, और उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे।
मैंने यहाँ पे एक वोक लिया है, उसमें मैं ये पका रही हूँ। आपके पास अगर कोई खुला डुला फ्राई पैन है तो आप उसमें भी कुक कर सकते हैं इसको। देचकी मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि देचकी में थोड़ी कम जगह होती है और फिर फिश का टूटने का खतरा होता है। जब फिश हम बीच में डाल देंगे तो उसमें हम चमचा नहीं चलाएंगे क्योंकि फिश बहुत इजीली टूट जाती है। और हमने प्रेजेंटेशन के बारे में भी सोचना है कि हम प्रेजेंट कैसे करेंगे अपनी डिश को, तो जब फिश टूटी होगी तो करी हमारी अच्छी नहीं लगेगी। जी व्यूअर्स, तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, फिर इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मसाले में से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। और फिर हम अपना कोकोनट ऑयल कैन वाला ऐड कर देंगे। करी का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, इसको अब हम बॉईल आने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कोकोनट मिल्क को पानी को आ गया है जोश। अब इसमें हम फिश ऐड कर लेंगे। जब हमने फिश ऐड कर लेनी है उसके बाद हमने चमचा नहीं चलाना। इसके ऊपर अब हम ग्रीन चिलीज फेंक देंगे। और वोक के हैंडल को पकड़ के इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। यहाँ पे हम पानी थोड़ा सा और डाल देंगे ताकि फिश अच्छी तरह से ढक जाए। थोड़ी सी कसर है, फिश अच्छे से ढकी होगी तो अच्छे से कुक हो जाएगी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि फिश कवर हो गई है, तो अब हम इसको हल्की मीडियम हल्की आंच पे कर देंगे और इसको पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फिश करी बिल्कुल रेडी है। और अब मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर लूंगी और फिश करी को डिश आउट कर लूंगी। यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेंगे इस तरह से। एक मैंने डीप स्पून ले लिया है। जी व्यूअर्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिश करी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम यहाँ पे इसको सर्व करने का तरीका बताएंगे। मैंने यहाँ पे चावल ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी फिश करी लूंगी इस तरह से। इसको यहाँ राइस के साथ डाल लूंगी, करी लेंगे थोड़ी सी और यहाँ पे खूबसूरत से तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा धनिया काट लिया है तो वो डालेंगे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और इतना प्यारा कलर है इस करी का, इस तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी फिश करी बिल्कुल रेडी है।
इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।